गीताोपदेश का अनुसरण करते हुए लायंस क्लब ऑफ प्रयास ने मासिक सेवा कार्य विजयनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सेवा भाव का शुभारंभ नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अतुल गुप्ता और MJF LIPC जितेंद्र चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजन में शिशु मंदिर के बच्चों को आधुनिक एवं स्मार्ट शिक्षित करने हेतु 65,000 की कीमत का 55 इंच का स्मार्ट टीवी और 35,000 रुपए मूल्य के कूलर अध्यक्ष आशु मित्तल और संस्थापक अध्यक्ष संजीव मित्तल की ओर से भेंट किए गए। आयोजन में बच्चों को इस्कॉन की अदिति गौरांगी ने श्री भगवत गीता का महत्व बताया। इस दौरान MJF LN जितेंद्र चौहान ने क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्कार सेवा और संस्कृति के लिए लॉयंस क्लब ऑफ प्रयास समर्पित है। आज सरस्वती शिशु मंदिर और विजयनगर कॉलोनी में लायंस क्लब प्रयास के द्वारा जहाँ जहाँ समाज में जरूरत होती है लायंस क्लब प्रयास वहाँ जरूरत को पूरा करता है। आज देखा कि सारे स्कूल में आप देखते हैं स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं और सरस्वती विद्या मंदिर में स्मार्ट क्लास नहीं थी, तो लायंस क्लब प्रयास के अध्यक्ष जी ने, उनके सचिव साहब ने, ट्रेजरर साहब ने कोशिश किया, आशु मित्तल जी ने, हमारे वरी जी ने, कि हम एक स्मार्ट क्लासेज आज बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जब तक आधुनिक शिक्षा में नहीं जाएंगे तो उनका पूरा विकास नहीं हो सकता। देखा उनको वाटर कूलर की जरूरत है तो वाटर कूलर भी लगा रहे हैं, घर भी आप देख रहे हैं किस तरह से है, तो एक बड़े हॉल में 2 कूलर भी लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब जब जहाँ लाइन्स की जरूरत पड़ी, उससे पहले आपको कुछ वर्ष पुरानी बात बताता हूँ, इसी स्कूल में टॉयलेट ब्लॉक बनाई गई थी, जहाँ भी जरूरत होती है, चाहे सब बांध देने की बात हो, लाइन्स क्लब प्रयास आगे आया, चाहे वो सूर कुटी को जब बस देने की बात आई उन बच्चों के लिए तो बस उन्होंने दी, और जब जब डायलिसिस मशीन उन्होंने दी क्षेत्र बजाज को, तो जो बड़े काम होते हैं लाइन्स क्लब प्रयास हमेशा से उसका प्रयास रहता है कि हर बड़े काम में हर छोटे काम में जहाँ समाज को जरूरत है वो लाइन्स क्लब प्रयास वहाँ मौजूद रहता है। और भी चार्टर अध्यक्ष संजीव मित्तल जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से लाइन्स क्लब प्रयास आगरा में काम कर रहा है, हम गर्व से कह सकते हैं कि आगरा का सबसे अच्छा और काम करने वाला क्लब है। वो आगरा में ही नहीं, हम पूरे अगर अपने क्षेत्र की बात करते हैं, प्रक्षेत्र की बात करते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे 17 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट बनता है उस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो प्रयास एक एलीट क्लास क्लब है। और उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टंडा इन लोगों को बधाई, आशु मित्तल जी को और लाइन मनीष जी को। अध्यक्ष आशु मित्तल ने कहा कि क्लब द्वारा युवा दिमागों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है। चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा की। आज हम यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर में एकत्रित हुए हैं क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास नहीं थी, तो जो यहाँ के प्रबंधक हैं अतुल गुप्ता जी, उन्होंने हमें अप्रोच करा, तो हमें ये बहुत अच्छी सेवा लगी, तो हम बच्चों के लिए आज यहाँ पे एक स्मार्ट क्लास बनवा रहे हैं। और साथ में पीने के लिए लोगों को यहाँ पे ठंडा जल नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए वाटर कूलर और 2 डेजर्ट कूलर हमारे क्लब की तरफ से लगाए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, लॉयंस क्लब आगरा प्रयास द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर विजयनगर कॉलोनी में एक स्मार्ट टीवी और वाटर कूलर आज स्कूल के बच्चों के लिए प्रदान किए गए हैं, और स्मार्ट क्लास के लिए भी जो काम आएंगे बच्चों का बहुत ज्ञानवर्धन बढ़ेगा। और लॉयंस क्लब प्रयास के ही चार्टर प्रेसिडेंट संजीव मित्तल जी ने आज एक वायदा और अच्छा करा है, जो हमारा हॉल बना हुआ है उसको रेनोवेट कराने के लिए जो भी खर्चा आएगा, फुल्ली AC हॉल बनेगा, बहुत सुंदरपूर्ण, पहले भी उन्होंने हमारे स्कूल में सोलर शौचालय 5-star कैटेगरी का आज से 7-8 साल पहले बनवाया था, और 2 कूलर भी उन्होंने दिए, तो उनकी एक्टिविटी, उनका सामाजिक दायरा और जो उनको पूरे क्लब को मैं आज साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, वो खूब भलें फूलें बड़े हों और हमारे स्कूल में जो सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी लॉयंस क्लब आगरा प्रयास के पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने आज हमारे स्कूल में आकर के ये एक्टिविटी की।